बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के बीच गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। एक ओर जहां पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है और अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी जनसंपर्क करने में पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में 232 बेलागंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अरुण कुमार ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया। निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार ने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के चाकन, लक्ष्मीपुर, चातरघाट, अखथू, गोबराहा, शादीपुर, रेवड़ा, महमदपुर, बढ़ी बीघा, बेलागंज बाजार के अलावा कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से बेलागंज विधानसभा में एक प्रतिनिधि के रूप में जमे हैं, पर बेलागंज में विकास नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है और विकास के नाम पर अभी तक सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया गया है। इस विधानसभा में खासकर बेरोजगारी भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का सहयोग मुझे मिलता है तो इस क्षेत्र में सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे। चुनावी मुद्दा है बिल्कुल रूप से साफ साफ है। यहाँ जो है अफवाहों का बाजार गर्म रहता है लोगों में। सबसे बढ़िया है कि हिंदू मुसलमान का सौहार्द जो है हम सदा बनाए रहे हैं। और रोजगार का मुद्दा जान ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बहुत ख़राब है। दारू बंद है मगर दारू चालू है, है ना। सरकारी तंत्र जो है बिल्कुल सरकार पर हावी है। सरकार के नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं रह गई है। इसी के चलते हम लोग पहले जो है अपना जनता दल यूनाइटेड के हम पूर्व में कोषाध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं। और अभी जो है हमारा जो निष्क्रियता है जिस तरह का, हमारे यहाँ एक उम्मीदवार आए हुए हैं जो कि नाचने गाने में भी माहिर हैं। जो है अपना जो नेता का उसमें तनिक भी गुण यदि है तो नहीं नज़र आता है। विकास के रूप में यहाँ जीरो है। विकास यहाँ कहाँ हो रहा है? समस्या है न रोड की समस्या ठीक है, न पीने का पानी लोगों को है, न सम्मान मिलता है। यहाँ बेला जो है बिल्कुल अछूता बना हुआ है। विगत जो है आपको जिस तरह से जंगल राज था, जंगल राज अभी भी है बेला में। जंगल राज जो है बेलागंज विधानसभा से अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और मैं उसके लिए कमर कस के तैयार हूँ। सबसे प्रथम हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को, नौजवानों को रोजगार, ये हमारा ये करना है। दूसरा शिक्षा रहेगा। मैं लोगों को ऐसे, मैं BSc ऑनर्स हूँ फर्स्ट क्लास। लोगों का सम्मान हमकारा देना ही सबसे परम कर्तव्य रहेगा। हम लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ बाहुबल और धन बल का जो खेल चल रहा है उसको परास्त हम अपना आत्मबल से करने जा रहे हैं और लोगों में यह विश्वास पैदा करेंगे कि निश्चित तौर पर से यहाँ का चुनाव हम लोग अगर जीतेंगे और जीतेंगे ई भय से यदि मुक्त हो गया तो हम जो है बेलागंज विधानसभा की धरती को, मैंने 30 वर्ष से जो बंद है उसको हम मुक्त कर लेंगे। मैं अरुण कुमार बेलागंज विधानसभा का एक स्वतंत्र अभ्यर्थी हूँ और सभी बड़े जनों, सभी नौजवानों, सभी मित्रों, सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी माताओं से यह अपील करते हैं कि दिनांक 28 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट बिना भय के, बिना अफवाह में पड़े हुए क्रमांक संख्या 10 पर मोतियों के हार छाप पर भारी मतों से विजय बनाएं। और अब की बार का नारा है, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। अब की बार अरुण कुमार, अब की बार सिर्फ अरुण कुमार। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के साथ रहे शशि आनंद ने भी कहा कि क्षेत्र में प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, उसके तहत बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में सड़क के साथ साथ कई खामियां भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार को अगर जनता का सहयोग प्राप्त होता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेलागंज की समस्या को वह दूर करेंगे। जोर जबरदस्ती का राजनीति बेलागंज विधानसभा में आज तक चला है, न कोई विकास हुआ है आज तक और न ही किसी लोगों में विश्वास पैदा किया गया है। सिर्फ भय और भय का वातावरण बनाकर राजनीति करी गई है। हम लोग चाहते हैं कि ये भय की राजनीति समाप्त हो और विकास अरुण कुमार जी के छत्र छाया में बेलागंज की जनता को विकास 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 ही मिले और ये करेंगे, ऐसा हमारा मानना है, विश्वास है। साथ ही लोगों के मन में, बेलागंज के लोगों के मन में जो चाहत है, जिसको मैंने देखा है,
जब मैं घूम रहा था विधानसभा क्षेत्रों में, तो कई क्षेत्र में गए, पाईबीघा गए, इधर पनारी गए, यहाँ बेल्हाड़ी तक गए, सिनानी तक, इधर आ गए, खिरियामा तक गए। मतलब पूरे विधानसभा का दौरा करने के बाद हमें निष्कर्ष निकला कि अरुण कुमार जी के लिए भी बेलागंज के जनता में एक इच्छा शक्ति जाग रही है। दल और विपक्ष के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ, उन प्रत्याशी के लोग विरोध में इनको समर्थन करने की मन बना रहे हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि बेलागंज विधानसभा से अरुण कुमार जी को बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति की ओर से, खासकर प्रजापति भाइयों से मेरा अनुरोध है कि उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।